मुस्कान सुराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। सरगुजा छत्तीसगढ़ महतारी का मुकुट एक ऐसा आदिवासी अंचल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खनिज संपदा के लिए दुनिया भर में मशहूर है। बात उसी सरगुजा की, उस सरगुजा में बात विकास और सौगात की, जिसे देने खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी कैबिनेट के साथ वहां के लोगों के बीच पहुंचे। बस्तर के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे। सरगुजा के विकास में मुख्यमंत्री ने कई अहम फैसले किए हैं। सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक, करोड़ों के विकास कार्यों को जहां मंजूरी मिली, वहीं 301 परिवारों को वन अधिकार पट्टा। इसके साथ ही 17 ऐसे निर्णय जो सरगुजा के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बस्तर में विकास की लकीरें खींचकर अब मुख्यमंत्री का उड़न खटोला जा उतरा सरगुजा में। आदिवासी अंचल सरगुजा में विकास की गंगा बहाने सीएम अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। आदिवासियों के हितों की रक्षा करने, आदिवासियों को उनके हक और अधिकार को देने मुख्यमंत्री खुद आदिवासियों के करीब जा पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले दिन ताबड़तोड़ कई बैठकें की। बैठक की शुरुआत सरगुजा प्राधिकरण की बैठक से हुई। बैठक में कई निर्णय हुए। मुख्यमंत्री ने बैठक में आदिवासियों के विकास के लिए 42 कार्यों के लिए करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। सरगुजा प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई है। वन अधिकार पट्टे के मामले में कार्यशाला का आयोजन किया गया है और अभी सर्किट हाउस में 300 हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है, जिसमें से 136 गैर आदिवासी भी शामिल हैं जो परंपरागत रूप से वहाँ निवास करते हैं, उनको भी दिया गया है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आज वर्षों से जो काबिज थे और उनको जमीन का कोई अधिकार नहीं था, आज उनको अधिकार पत्र दिया गया है। बहुत बधाई। बैठक में मुख्यमंत्री ने 17 अहम फैसले कर अधिकारियों को उस पर तत्काल अमल में लाने निर्देशित किया, लेकिन उन निर्णयों से पहले बात वन अधिकार अधिनियम की समीक्षा की। मुख्यमंत्री वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में वन अधिकार अधिनियम को लेकर समीक्षा की। उन्होंने इस कानून को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन के निर्देश दिए। इस मौके पर भूपेश बघेल ने 301 परिवार के 400 हितग्राहियों और 136 गैर आदिवासियों को वन अधिकार का पट्टा वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन अधिकार पट्टा उनका अधिकार है। इसके तहत सरगुजा जिले के उदयपुर जनपद के 217 और लखनपुर जनपद के 84 वनवासियों को वन अधिकार पट्टा प्रदान किया गया। जो पट्टा मिल रहा है वो यह आपका अधिकार है, क्योंकि जंगल में रहने वाले लोग जिन्होंने औपनिवेशिक काल में अपना पट्टा नहीं बनाया, ये उनका दोष नहीं था। हम लोग मैदान में रहे, हम लोगों ने पट्टा बनवा लिया, आप लोग नहीं बनाए थे, ये तो आपका दोष नहीं है, ये आपका अधिकार है जो आपको मिल रहा है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो ये कानून 2006 में बना और इसमें कहा गया कि 13 दिसंबर 2005 के पहले जिनका कब्जा था उन सबको ये वन अधिकार मान्यता पत्र मिलेगा। लेकिन पिछली सरकार ने आप लोगों के साथ अन्याय किया, सही ढंग से परीक्षण नहीं किया, ग्राम समितियां नहीं बनी, अनुभाग स्तर की समितियां नहीं बनी, जिला स्तर की समितियां नहीं बनी और आपके जो दावे थे उसके बराबर परीक्षण नहीं किया गया और इसके कारण से आधे अधूरे वन अधिकार पट्टा ही मिल पाया। हम लोगों ने तय किया कि जो वाजिब हकदार हैं, जो 13 दिसंबर 2005 पहले जिनका कब्जा है, उन सबको वन अधिकार मान्यता पत्र देंगे और उसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी देखा कि सामुदायिक
वन अधिकार मान्यता पत्र किसी गांव में नहीं मिला। सामुदायिक दावे के नाम से या तो आंगनबाड़ी के लिए, स्कूल के लिए या मरघट के लिए ये जो जमीन आरक्षित की गई उसी सामुदायिक वन अधिकार मान लिया, जबकि परिभाषा वो नहीं है। परिभाषा ये है जिस जंगल में जो गांव के लोग आश्रित हैं, यदि एक ही जंगल है जिसमें दो तीन गांव के लोग आश्रित हैं तो दो तीन गांव के लोगों को सामुदायिक वन अधिकार मिलेगा, यदि एक ही गांव है तो एक ही गांव के लोगों को मिलेगा। और वहां पे बांस अभी भी आप महुआ बीनने का काम, साल बीज बीनने का काम सब करते हैं, लेकिन और भी जो अधिकार आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया था, वो सब हम लोग देने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। हमारी सरकार ने फैसला लिया है, अभी वन अधिकार के मामले में कार्यशाला भी आयोजित की गई है और विस्तार से चर्चा होगी, अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी महाराज साहब पूछ रहे थे कि जितना अभी जो मान्यता पत्र मिल रहा है उससे ज्यादा कर्जत नहीं है, यदि 13 दिसंबर 2005 के बाद का कर्जा होगा तो नहीं मिलेगा, उसके पहले होगा तो निश्चित रूप से मिलेगा, उसका आवेदन आप लोगों को करना होगा। तो मैं जितने भी यहाँ साथी आए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, पिछली सरकार ने जो परंपरागत रूप से वनों में रहने वाले लोग हैं, जो दूसरी जाति के हैं, उनको नहीं दिया गया, उनके लिए उन्होंने कहा कि 3 पीढ़ी से कब्जा हो उन्हें मिलेगा, और उस कारण से अधिकांश जो गैर आदिवासी जो वहाँ रह रहे हैं सैकड़ों हजारों साल से वो लोग भी रह रहे हैं, उनको भी पट्टा नहीं मिला। तो उसमें नियम यही है कि 13 दिसंबर 2005 के पहले कब्जा हो और 3 पीढ़ी से निवास कर रहा और परंपरागत रूप से वनवासी, जो जातियां और भी बहुत सारी जातियां जो वहां रह रहे हैं उनको यह अधिकार मिलना चाहिए। तो उनके भी आवेदन के लिए निर्देश हम लोग देंगे। और आपको याद होगा सीतापुर में भी जब हम लोग 1000 वन अधिकार मान्यता पत्र का वितरण किया था तो उसमें से 350 से 400 जो अधिमान्यता पत्र है वो गैर आदिवासियों का था। अभी जानकारी मिली कि 136 लोगों को जो गैर आदिवासी हैं उनको भी अधिमान्यता पत्र मिला है। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और बढ़िया से उस जमीन का उपयोग करिए, आपके परिवार सुखमय हो, यही कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। आज मेरे को वन अधिकार पट्टा मिल रहा है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। सर, वन अधिकार जो पट्टा मिला उसमें मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत प्रयास के बाद पट्टा मिला है, मैं उसके लिए भूपेश सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिसका भी पट्टा मिला है सर उसमें मेरे दादाजी कब्जा किए थे, अब दादाजी भी कई बार आवेदन किए उनको भी पट्टा नहीं मिला, और उसके बाद मेरे पिताजी आवेदन किए उनको भी पट्टा नहीं मिला, अब मान लीजिए उनके पोता मैं जगत राम को भी पट्टा मिला है। 15-20 साल हो गए तय करें तो अब पट्टा मिल गई, कैसा लगा था? बढ़िया लगा था है। अब कौन सरकार रही थी तुम्हारे पट्टा? बघेल जी नहीं है, रूपेश बघेल। तो क्या करिए जमीन के? अब खाओ बढ़िया से, अब सब जमीन लिए कर हाथ पानी सब जाए ना। आइए आपको बताते हैं सरगुजा वासियों के हित में क्या क्या अहम फैसले मुख्यमंत्री ने लिए हैं। बात उन 17 निर्देशों की जिस पर तत्काल प्रभाव से अमल में लाने अधिकारियों को भूपेश बघेल ने निर्देशित किया है। जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों की शिकायत सामने आने पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नियमों का पालन करते हुए तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। स्थानीय स्तर पर रोजगार की सुविधाएं दिए जाने के निर्देश। सरगुजा कनिष्ठ चयन बोर्ड का गठन। जशपुर में मानव तस्करी की शिकायत पर सेल गठित कर शिकायतों की जांच के निर्देश दिए। जशपुर में इंस्पेक्टर का काम शीघ्र शुरू करने के निर्देश। बैंकों से पैसा निकालने में कृषकों से पैसा लेने की शिकायत प्राप्त होने पर कोऑपरेटिव बैंक के CEO और बैंक मैनेजर निलंबित। बिजली की समस्या की शिकायत पर जिम्मेदारी तय करने के दिए निर्देश।
जिम्मेदारों को तत्काल निलंबित करने का दिया निर्देश। नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश। सड़क निर्माण के मामले में विशेष ध्यान। सीमेंट की उपलब्धता तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश। वाटर रिचार्जिंग पर जोर। आम नागरिकों को जागरूक करने व प्रोजेक्ट बनाकर राशि खर्च करने के निर्देश। बलरामपुर में मक्का प्रसंस्करण केंद्र किया जाएगा स्थापित। कृषि को लाभ के क्षेत्र बनाने के दिए दिशा निर्देश। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक कार्रवाई के निर्देश। DMM फंड से भवन निर्माण के स्थान पर शिक्षा स्वास्थ्य पोषाहार कार्यक्रम चलाने व रोजगार मूलक कार्य कराने के लिए दिशा निर्देश। नक्शा खसरा की समस्या का शीघ्र निराकरण कराया जाए। कृषकों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कृषकों को परेशान होने की स्थिति में कलेक्टर होंगे जिम्मेदार। पूर्व से जारी प्रमाण पत्र के आधार पर जन्म के साथ जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश। सरकारी स्कूलों को DAV को देने के मामले की जांच के निर्देश। वास्तव में मुख्यमंत्री की ओर से लिए गए इन फैसलों से जहां सरगुजा का चौमुखी विकास होगा, वहीं प्रशासन में कसावट आने से आम लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ समय पर मिलेगा। राज्य सरकार सरगुजा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें जहां स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए चयन कनिष्ठ बोर्ड का गठन है, तो बलरामपुर में मक्का कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना से किसानों को भी अच्छा लाभ मिलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री जिस तरह से बस्तर के बाद सरगुजा में दो दिनों तक हैं, पहले दिन का ये महत्वपूर्ण अंश था। आगे आपको दिखाएंगे कि सरगुजा को संवारने और क्या क्या कदम उठाए हैं मुख्यमंत्री ने। अंबिकापुर से सहयोगी राम कुमार यादव के साथ वैभव शिव पांडे, सरगुजा। उपयोगी सरकार की योजना छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गुरवा घुरवा बारी जमीन पर साकार होने लगी है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने सरकार की योजनाओं को आमली जामा पहनाने में गांव में पहुंच रहे हैं, ग्रामीण भी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने सरगुजा प्रवास के पहले अपने इसी मॉडल को देखने और लोगों के बीच सरकार के कामकाज की समीक्षा करने पहुंचे। उनके बीच गौठान में उन्होंने चौपाल लगाई और कुछ लोगों की बातें भी उन्होंने सुनी, कुछ अपनी भी कहीं। इस कहीं अनकहीं में कई सुझाव भी आए। इसी बीच एक सुझाव एक महिला का आया और अब सरकार उस सुझाव को पूरे प्रदेश में इस योजना के लिए लागू कर रही है। देखिए सरगुजा की सौगात स्पेशल में सरगांव में भूपेश की चौपाल पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ये नजारा छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी का है। ये तस्वीर नरवा गरवा घुरवा बारी की। ये लोग सरगुजा के हैं। ये उस गांव की तस्वीर है जहां से सरगुजा के महाराजा TS सिंहदेव आते हैं। ये US सिंहदेव के गांव की तस्वीर है। ये सरगुवा की तस्वीर है। इस गांव में साकार ले रहा है भूपेश सरकार की महती योजना नरवा गरवा घुरवा बारी। इस योजना को देखने पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुखिया, छत्तीसगढ़ के मन के हितवा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। भूपेश बघेल ने गौठान का निरीक्षण किया, गायों को चारा खिलाया, गांव वालों के करीब जाकर उनसे मुलाकात की, फिर चौपाल लगाकर ग्रामीणों की बात सुनी और कुछ अपनी बात भी कही। उन्होंने बताया कि यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा। एक ओर जहां पशुओं को देखरेख एवं खान पान का उचित अवसर मिलेगा, वहीं गाय के गोबर से कंपोस्ट खाद एवं गोबर का उत्पादन होगा। गौमूत्र का उपयोग अनेक दवाइयों के उत्पादन के लिए किया जा रहा है। आज रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग होने से कैंसर जैसे खतरनाक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं, अनेक विकृतियां आ रही हैं। वहीं रासायनिक खादों का खर्चा भी लगातार बढ़ रहा है। कंपोस्ट खाद से एक ओर हमें अनेक समस्याओं से निजात मिलेगी, वहीं कंपोस्ट खाद बनाने में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा और गाँव का वातावरण भी सुधरेगा। पहले मुखिया भूपेश बघेल को सुनते हैं, फिर जिक्र उस सुझाव को भी करेंगे जो सरगवा की एक महिला ने दी है। उस सुझाव की बात जिसे तत्काल प्रभाव CM ने लागू कर दिया। पहले सोचते थे कि मेरे घर में भी एक गाय हो जाए,
लेकिन जिसके घर आज जिसके घर में गए हैं उनके लिए वो बोझ बन चुका है, चाहे गाय हो बैल हो। मैं तो काफी कोई बहुत गलत बात नहीं कर रहा हूं। इसे अभी हो क्या रहा है, शहर में भी जाओ तो मवेशी उन्हें घूमते मिल जाए, एक्सीडेंट अलग हो रहा है। गांव में जा दो तो पता लेना मुश्किल हो गया है। घर में कोई बांध के रास्ता नहीं, करते घूमते रहते हैं, खेत में घूमते रहते हैं। एक फसल मुश्किल से हो पा रहा है, दूसरे फसल से कोई दर्शना नहीं था। जी सर, यदि तो दूसरी फसल ले तो उसे भी घेरा करना पड़ता है। हाँ बात तो करना पड़ता है, और इसीलिए हम लोगों ने सोचा अरे मैं बाइक चल रहा है ना, बाइक ले रहा हूँ और वहाँ मवेशी के लिए पानी का भी व्यवस्था कर लें। ऐसी जगह चिन्हित करें जिसमें पेड़ पहले से लगे हो, ताकि छाया भी मिले मवेशी को और चारा उत्पादन कर सके तो और अच्छी बात है। लेकिन इसमें गांव वाले की भागीदारी बहुत जरूरी है। यह तो सरकार की तरफ से हो गया, पानी का टीवी बन गया, आपके सीट भी लगा दिए, लेकिन अब चलाना है मवेशी आपका है ना, आपका गाय भैंस तो आपका है ना, चार दोस्तों को मिलेगा। तो जो पैर जो धान काटते हैं पैर को आप जलाइएगा मत, सरपंच से बोर्ड से गाँव वालों से जिसके पास ट्रैक्टर है वहाँ से मरेगा मजदूर लगा दे या कोई सारे जितना पहले इकट्ठा किए हैं वैसे हर समय इकट्ठा करना है। वहाँ कुछ लोग काम करेंगे और जो पांचे लोग जो चौहे लोग है ना, वो काम करके सुबह आप अपने मवेशी के यहाँ छोड़ देंगे। आ जाता क्या बोले आप लोग पांचे लोग ले आ जाएंगे शाम को फिर आपके घर में फिर वापस जैसे अभी के व्यवस्था। लेकिन दिन भर खुले में घूमता है तो मवेशी जितना पैदा चलेगा यदि दुधारू जानवर है उतना कम दूध देगा, बैठ के जितना आप चलाएंगे दूध उत्पादन उतना अधिक होगा। ये जगह तय कर दी इस गाँव में, वैसे हर गाँव में इसको करना है। जगह आप उसकी नित्य है पारिवारिक जमीन नहीं तो क्या रहता है गाँव में गुजारी रहता है। जो सरपंच जिसका नहीं मानता और जिसको नहीं मानता उसके अतिक्रमण है वही जगह पर आता है कि भैया इसको एक चिन्हित जगह झगड़ा नहीं कराना। जो आदिवासी भूमि है उसी में था, पर यहाँ जब आप गौ पालन करेंगे हम दिन भर मवेशी रखेंगे तो गोबर भी होगा, गोबर से इकट्ठा करिए और उसे आप कंपोस्ट साथ बना वर्मी खाद बना। यह भी प्रदेश में हम लोगों ने देखा कि महिला स्व सहायता समूह है उन्होंने वर्मी खाद बनाया है और वर्मी खाद गोबर को फेंककर सारी किसान भी फेंकते हैं 1,000 रुपये में 5,000 रुपये में पानी मिल जाता है और इसको अभी किलो हिसाब से देते हैं 4 रुपया और एक बार गोबर हो गया उसको वर्मी खाद बना दिए आपको 1 किलो 4 रुपया था तो 1 गाड़ी के लिए 16,000 क्विंटल आएगा 30 क्विंटल 50 रुपये का लो 12,000 1,000 रुपये गोबर 12,000 रुपये पड़ता है। यदि उसी को बना के बेचेंगे और जो किसान है वो अपने खेत में ले जाए कंपोस्ट खाद ले जाए, लेकिन उसे बनाने की जो खर्चा है उसे उसको देना होगा। जैसे घर में गोबर हो गया उसको इकट्ठा करके परिवार को आप जब कौ के बेच रहे हैं तो कौ के लेना भी है और उतना गोबर ले आए कौ के 45 दिन बाद वो खाद में जाता है तो जो यहाँ मेहनत करेगा उसको मेहताना दे दीजिएगा रुपया और उसको खेत में डाल दीजिए होगा क्या कि आपको रासायनिक खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीमारियां कम होंगी। आज पंजाब में रासायनिक खाद डालने के कारण से अधिकांश लोग कैंसर से पीड़ित हैं,
हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत देशकर के पीड़ित हो चुके हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि खेत में आप खाद डाल रहे हैं और रासायनिक दवाई डाल रहे हैं, यदि उसको बचना है किसी लागत में कमी लानी है तो गोबर खाद संपूर्ण खाद गोवर्धन खाता है, बहुत एकत्रित होगा, उसके हाथ से दवाइयां भी हो रही है, बहुत सारे लोग ले भी जाएंगे। और यदि 1015 को यदि गोवर्धन हो गया तो फिर गोबर के स्वाद यहाँ डाल। बात का सिलसिला चल पड़ा था। मुखिया अपने लोगों से योजनाओं पर बातचीत कर रहे थे, सरकार की उपलब्धियों के बारे में बता रहे थे, नरवा गरवा घुरवा बारी योजना को बारीकी से समझा रहे थे। मुखिया ने गाँव वालों से भी सुझाव मांगा, तभी एक महिला ने सुझाव दिया कि गोठान में शौचालय नहीं है, इस ओर ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री यह सुनते हुए बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि ऐसी जागरूकता हर कहीं दिखनी चाहिए। सुझाव देने वाले महिला को बधाई देते हुए कहा इसे आज से अमल में लाया जा रहा है। तत्काल उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि प्रदेश भर के गौठान में अब शौचालय निर्माण भी किया जाएगा। जैसे अभी एक महीने से यहाँ पर महिला लोग काम कर रहे हैं ना, तो उन लोग को बाहर जाने में बहुत प्रॉब्लम जा रहा है, तो वही मैं तब से सोच रही थी कि यहाँ पर इतना काम हो रहा है, सब आ रहे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कोई नहीं सोच रहा है कि शौचालय जो होना चाहिए सबसे बड़ी बात तो वही होती है। तो वही मेरा दिमाग में था कि जब भी टीएस बाबा जी आएंगे यहाँ पर उनसे बात को रखूंगी कि सर आपके सहयोग से अगर यहाँ पर एक शौचालय हो जाता है तो महिलाओं के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी, बस वही दिमाग में था। अच्छा कहा कि हाँ इसके बारे में भी काम चालू करेंगे, बताए। हाँ पूरे जितने जहाँ पर भी गोठान बनाया जा रहा है सभी जगह पे बताया गया है कि शौचालय का निर्माण करेंगे, क्योंकि अभी तक ये बात किसी ने रखी नहीं थी, तो उनको वही कहना है कि अभी करेंगे करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुनने के लिए बड़ी संख्या में चौपाल में ग्रामीण पहुंचे थे, महिलाओं की संख्या भी इसमें ज्यादा थी। ग्रामीण विकास की दिशा में सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों की गांव वालों ने खुले दिल से तारीफ की। गांव वाले अब इस बात को समझने लगे हैं कि उनकी आर्थिक उन्नति कैसे हो सकती है। महिलाओं ने कहा कि नरवा गरवा घुरवा बारी से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वह यह देख पा रही कि गांव में रहकर सहज रूप से कैसे काम मिल सकता है। सरकार ने एक बेहतरीन योजना की शुरुआत की है। सब अच्छे बात बताए और हम लोग के ही मतलब ये सब बना है गौठान तो हम लोग के ही फायदा है, और किसी को काम मिलेगा, किसी को रोजगार, हर चीज के लिए मतलब फायदा है। वहीं सरगुजा के विधायक और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस योजना को मॉडल योजना बनाने की जिम्मेदारी नैतिक तौर पर मेरी है, क्योंकि मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूं। गांव के विकास में मुख्यमंत्री ने एक मेहनती योजना की शुरुआत की है। सिंहदेव ने कहा कि नरवा गरवा घुरवा बारी योजना के तहत गांव-गांव में गोठान का निर्माण किया जा रहा है ताकि स्व सहायता समूह को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि गोठान में मवेशियों के लिए सभी सुविधाएं दी जाएंगी। ये कई जगह निर्माण हो ही रहा था, लेकिन यहाँ के लिए भी बच्ची ने, सपना नाम की बच्ची है, तो मुख्यमंत्री जी भी बहुत खुश हुए कि यही वो चाहते हैं कि लोगों की भागीदारी से काम को भी दिशा दिया जा सके। तो आज सरगवा के नाम पे जिसको जिस गांव से हम लोग काका साहब को भी याद करते हैं, वो हमारा सरगवा यानी काका साहब, यूएस काका साहब, तो यूएस काका साहब के गांव में आज उनके तिरही के अवसर पर उनके प्रेरणा कहिए, उनकी आत्मा कहिए, जो उस गांव में बसी हुई है, वहां से एक बच्ची का सुझाव आया, पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरगुजा दौरे के दूसरे दिन सूरजपुर और बलरामपुर जिला पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री नरवा गरवा घुरवा बारी योजना की जानकारी ली, गोठान का निरीक्षण भी किया, वहीं क्षेत्रवासियों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। भूपेश बघेल सबसे पहले बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोठान का न सिर्फ निरीक्षण किया बल्कि किसान पुत्र बघेल ने चारा काट कर भी दिखाया। उन्होंने शंकरगढ़ में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी, वही शंकरगढ़ में सहकारी बैंक के ब्रांच खोलने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने यहाँ 5 पशुओं को पहचान के लिए पट्टा भी पहनाया और चारा खिलाया। मुख्यमंत्री ने वन अधिकार मान्यता पत्र के तहत प्रतीकात्मक स्वरूप वनवासियों को वन अधिकार पत्र प्रदान किया। यहाँ पर 1057 हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे का वितरण भी किया गया। उल्लेखनीय है कि यह गौठान लगभग 8 एकड़ में बना हुआ है। यहाँ पर 640 पशु रखे गए हैं।
गोठान के बगल से बहने वाली नदी में उपलब्ध पानी से यहाँ सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना संचालित है। 73 एकड़ में यहाँ 5 एचपी क्षमता वाले कुल 60 पंप लगाए गए हैं। इससे लगभग 140 किसान लाभान्वित होंगे। बहुत बढ़िया गोठान यहाँ बना है, जिसमें पानी की व्यवस्था है, सोलर पंप भी लगाया गया है, बाड़ी भी किया जा रहा है, जिसमें सब्जियां भी, फल भी और चारा का भी उत्पादन हो रहा है। यहाँ मवेशी रखने लगे हैं लोग, और इससे एक यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं और सब अपने हिसाब से सारे प्रबंधन कर रहे हैं। गोबर से जहाँ कंपोस्ट और गोबर से न केवल ये गोबर गैस प्लांट लगा रहे हैं, बल्कि गोबर से खाद भी बना रहे हैं, वर्मी खाद है, कंपोस्ट खाद। उसके अलावा धूप बत्ती और उपटन भी बनाने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। मैं यहाँ के बिहान के बहनों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। यहाँ समिति बहुत बढ़िया से काम कर रही है। जिले के प्रोग्रेस को लेकर क्या कहेंगे आज के संतुष्ट हैं आप? जिले के प्रोग्रेस देखिए, संतोष कभी नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए संतोष, क्योंकि यदि संतुष्ट हो जाएंगे तो विकास रुक जाएगा। लगातार विकास की गति निरंतर चलती रहती है और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जैसे किसानों को ऋण माफी किए, किसानों को 25 रुपए क्विंटल धान खरीदी किए, और उसी प्रकार से अब छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, एला बचाना है संगवारी, तो ये जो वो जो हम लोग नारा दिए थे उसके उस दिशा में नाला के भी प्रबंधन कर रहे हैं और मवेशी के भी प्रबंधन। वास्तव में सरकार की योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक क्रांतिकारी विकास योजना साबित होगी। सरगुजा से रामकुमार यादव, सूरजपुर से दहशाद अहमद के साथ वैभव सिंह पांडे, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए सुरान एक्सप्रेस।